झारखंड की सियासत इन दिनों सदस्यता संग्राम के अखाड़े में तब्दील हो गई है। हर तरफ हर एक दल का सदस्यता अभियान और उनके दावों से राजनीति का पारा गर्म है। सत्ताधारी दल बीजेपी ने सबसे अधिक सदस्यता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए पार्टी नेताओं का पसीना छुड़ा दिया है। प्रदेश में 25 लाख नए सदस्य का पीछा करते हुए प्रदेश बीजेपी कितनी दूरी तय कर पाई है, ये फिलहाल पहेली बनी हुई है। दरअसल 20 अगस्त को सदस्यता अभियान पर विराम लगने के बाद पार्टी सदस्यता के आंकड़े जुटाने में जुट गई है। झारखंड बीजेपी ने अपने विधायकों को 50,000 सदस्य बनाने का टास्क दिया था। समय सीमा समाप्त होने के बाद बीजेपी के कुछ विधायक सदस्यता अभियान के दौर में पास हुए तो कुछ फेल। लोगों का जो लक्ष्य दिया गया था पूरे विधानसभा क्षेत्र में भी, और मैं इस मोर्चा के माध्यम से जितना हमारा लक्ष्य निर्धारित था, हमको लगता है हम लोग पूरा कर दिए हैं और फाइल निश्चित रूप से जमा हो रहा है, उसका एंट्री हो रहा है। लगभग जैसे एक एक विधानसभा में 50,000 का टारगेट था, हमको लगता है वो लगभग पहुँच गया है। बीजेपी के सदस्यता अभियान को आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिहाज से देखा और समझा जा रहा है। इससे पहले भी प्रदेश बीजेपी 24 लाख सदस्य बनाने के साथ सूबे के दूसरे राजनीतिक दलों से आगे रही थी। इस बार बीजेपी का नया लक्ष्य 25 लाख का है। बीजेपी के बड़े नेता भी ये मानते हैं कि किसी भी जिले में या किसी माननीय विधायक का आंकड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, पर अब तक प्रदेश बीजेपी को मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी अपने तय लक्ष्य के करीब पहुंच गई है। अगर हम विधानसभा वाइज देखेंगे तो थोड़ा कम बेसी आएगा, लेकिन हम लोग राज्य का टारगेट अचीव कर रहे हैं, क्योंकि कल के बाद से आज से जो कलेक्शन हो रहा था, आज दिन में भी हम लोग बैठे थे, हमारे सदस्यता के प्रभारी हैं प्रदीप वर्मा जी, तो एक समीक्षा हुई थी, तो अब उसको हम लोग डाटा एंट्री करना शुरू किए हैं और निश्चित जानिए राज्य का टारगेट हम लोग प्राप्त करेंगे। सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी के दावों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर बीजेपी के सदस्यों की संख्या झारखंड में 49 लाख के आसपास है तो क्या बीजेपी को चुनावी जीत के लिए किसी और की जरूरत पड़ेगी? ऐसा इसलिए कि अगर 49 लाख सदस्य के परिवार ही बीजेपी के पक्ष में वोट कर दें तो बीजेपी के वोट का आंकड़ा 2 करोड़ के करीब पहुँच जाएगा, जबकि झारखण्ड में कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 20 लाख के आसपास है। और फिर दूसरे राजनीतिक दलों के सदस्यता आंकड़ों का क्या मतलब समझा जाए? न्यूज 11 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट।